अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शहर हारून किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मुहर्रम स्पेशल मलीदा, जो एक ट्रेडिशनल डिश है। तो मैं कुछ आपको मलीदे के बारे में बता देती हूँ कि ये डिश जो है वो बहुत पुरानी है, हमारी नानी दादी बनाया करती थी और हमने भी इसे 2-3 बार ही खाया है और आगे आने वाली जनरेशन तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पहचानेंगे ही नहीं इस डिश को। तो ये मुहर्रम में बनाई जाती है और वैसे भी ये बच्चों को और बड़ों को देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो वैसे तो इसे बासी रोटी के साथ बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये हेल्दी बासी रोटी से ही बनती है, पर आज मैं इसे बना रही हूँ ये ताज़ी आटे से ही बनाऊँगी। तो बासी रोटी मेरे यहाँ है नहीं इसलिए, तो अगर आप लोग बनाना चाहें तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो मलीदे की रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, तो आज हम इसे अपने किचन में बनाने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लिया है। तो ये मैंने जो नॉर्मल आटा होता है रोटी जिससे हम बनाते हैं वही वाला आटा लिया है, और इसमें सिर्फ नमक मिला हुआ है, क्योंकि आटे में नमक मिलाकर ही मैं डो बनाती हूँ। तो 2 पेड़े मैंने लिए हैं, यानी कि 2 रोटी के। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये केवड़ा वाटर, और इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं कि ये हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ लिया है मैंने प्योर देसी घी, क्योंकि देसी घी में ही बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी भी बनती है, और अगर ना हो तो आप फिर डाटा घी या रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट देसी घी में ही आता है, तो कोशिश करें कि आप यही लें। और यहाँ लिए हैं मैंने इलायची के, 2 छोटी इलायची के ये मैंने बीज ले लिए हैं और इसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ लिया है मैंने नारियल, थोड़ी सी ली है मैंने किशमिश, ये लिए मैंने 100 ग्राम चीनी, और ये लिए हैं थोड़े से काजू, और लिए हैं थोड़े से बादाम। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और अगर ड्राई फ्रूट ना हो तब भी आप ये ऐसे ही बना सकते हैं मलीदा, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमने पेड़े लिए हैं इसके हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे सभी को बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम इसकी इस तरह से कर लेंगे, तो इसको चकेल बोला जाता है, और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। इसको इतना बड़ा कर लिया है, अब हम इसमें घी लगाएंगे। अच्छी तरह से लगा दिया है हमने इसमें घी, अब इसके बाद अच्छी तरह से घी लगा दिया है, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम बचपन में पंखा फोल्ड करते थे, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं और इसको हम ऐसे नीचे कर देते हैं, हल्के हाथ से। फिर हम इसे बड़ा कर लेते हैं और इसको हम रोटी की तरह दोबारा से हम बेल लेते हैं। देखिए, हमने इसे रोटी की तरह बेल लिया है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सभी को रोटी बनानी आती है आसानी से। तो जिस तरह हमने ये बनाया है, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। हमारे बिलकर हो गए हैं रेडी, और तवा भी यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो हम अब इसमें डाल देते हैं इसको। और फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, मतलब इस तरह से रखेंगे कि ना हमारा पराठा जल जाए और ना बहुत कच्चा सा रह जाए, इसलिए मीडियम रखें, जैसा आप पराठे बनाते टाइम रखते हैं। तो एक साइड से हो जाएगा, फिर हम इसे टर्न कर देंगे। तो इसको हमने टर्न कर दिया है, और उस साइड से भी थोड़ा सा ये हो जाने देते हैं। इस पे लगा देते हैं हम थोड़ा सा घी, और इसको हम बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे। तो पराठा बनाना भी नॉर्मली सबको आता ही होगा। और अब हम इसको टर्न कर देते हैं। और इस साइड भी हम इसमें घी लगा देते हैं। ये
देखिए बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ गया है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। तो देखिए दोनों तरफ से इस पर अच्छा से कलर आ गया है, तो इस तरह से हम दोनों तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। दोनों पराठे हो गए हैं हमारे सेककर रेडी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे पैन में और बहुत स्लो रखें फ्लेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी ये ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो बहुत स्लो रखें फ्लेम क्योंकि ये जल ना जाए, बस हमें इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है, और सबसे लास्ट में हम इसमें कोकोनट जो लिया था वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमें सबसे लास्ट में ही ऐड करना होता है। तो बस फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, ये जो हमारे पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हुए हैं, तो अब हम इन्हें छोटा छोटा पीस में इस तरह से तोड़ लेंगे। तो चाहें तो आप इस तरह हथेलियों से इसको छोटा छोटा करके और इस तरह मसल सकते हैं, तो जिससे ये बहुत बारीक हो जाएगा। लेकिन हमने अच्छी तरह से ये तोड़ लिया है और अब हमें क्या करना है, तो अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है हमें खाना बनाने में, तो बहुत आसानी से हर चीज़ तैयार हो जाती है। तो अब हमें इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं, एक बार चलाएंगे 2 सेकंड के लिए, फिर बंद कर देंगे। और इस तरह से हम इसको एक महीन चूरा इसका बना लेते हैं। हमारा पिसकर बिल्कुल रेडी। तो इलायची को मैंने इसी में डालकर पीस लिया था ताकि इलायची का जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, कि हमें इसमें शुगर मिलानी है, क्योंकि अभी जो है ये जो चूरा है वो गर्म है, तो चीनी हमारी आसानी से इसमें मेल्ट हो जाएगी। चाहें तो मिक्सर जार में डालकर इसको भी पीस सकते हैं, लेकिन ये जब मुंह में आती है क्रंची ही ये अच्छी लगती है, इसलिए इसको पीसते नहीं हैं। तो ये सारी हमने इसमें ऐड कर दी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा, बस इतनी सी बची है तो मैं ये भी ऐड कर देती हूँ इसमें। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से ऐड कर देते हैं इसमें, और अब हम इसमें कड़वा वाटर ऐड करेंगे। तो पहले के लोग मलीदा बनाते थे तो बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लगता था, क्योंकि ये रोटी से फिर इसे थोड़ा चूरा करने में थोड़ा टाइम लगता था, पर आजकल इतने ज़्यादा फैसिलिटी हैं कि काम जो है वो बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। तो बस इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सारे हमने ड्राई फ्रूट्स जो है रोस्ट कर लिए थे, तो इनको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हमने मिला दिया है और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है, तो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। दोस्तों कितनी जल्दी और आसानी से ये हमारी ट्रेडिशनल मलीदे की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो इसे मुहर्रम में ज़रूर से बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अपने बच्चों को वैसे भी ये ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और मैंने इसे ताज़ी आटे से बनाया है, और इसे बासी रोटी से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो इसे ज़रूर से बच्चों और बड़ों को दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो
हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।